नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 24 नवंबर। कल के सेशन की अगर बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स में हमने करीबन 2.25% की गिरावट आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि जिस ढंग से वैक्सीन की बात काफी ज्यादा स्ट्रांगली मूव हो रही है पिछले हफ्तों से, वैसे ही हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इंटरेस्ट में गोल्ड को $1,850 और चांदी को $24 के नीचे भी जाते हुए देखी है। उसी तर्ज पे हमने एमसीएक्स बुलडेक्स में 15,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो तोड़ते हुए देखा और प्राइजेस में 15,180 का लेवल छूते हुए दिखाई दिया। 15,200 के नीचे होल्ड होने पे पॉसिबल है हम 14,900 तक का भी लेवल देख पाए। तो आज एमसीएक्स बुलडेक्स में हमें बिकवाली करके चलनी है 14,920 के टारगेट के लिए। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कल के सेशन में हमने 1.5% की गिरावट गोल्ड में और 2.5% की गिरावट चांदी में आते हुए देखी है। टेक्निकली स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब जरूर हुआ है, क्योंकि 50,000 के नीचे होल्ड होने पे सोने और चांदी में दबाव बन सकता है। साथ में वैक्सीन जो आ रही है कंटिन्यू, ये प्राइजेस का सेंटिमेंट खराब कर रहा है। बट बोलिए नहीं, नंबर ऑफ केसेस भी यूरोप में और यूएस में, इंडिया में, सभी जगह वापस बढ़ना चालू हुआ है। इनफैक्ट कल WHO ने कहा है कि थर्ड वेव इटली में हिट हो सकता है 2021 में, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि लॉन्ग टर्म कोविड का कंसर्न रहेगा, बट वैक्सीन की वजह से मार्केट में दबाव है। साथ में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के जो ऑफिस ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और जेनेट येलन कैन बी ए पार्ट ऑफ जो बिडेन टीम। तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है, जिसके चलते हमने कल गोल्ड में गिरावट आते हुए दिखी है। गोल्ड टेक्निकली 49,650 के नीचे काउंटर वीक है, जो 49,100 का पहला सपोर्ट, और इसके नीचे अगर जाता है तो 48,600 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं चांदी 60,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। 60,000 का लेवल अगर होल्ड करता है तो एक बाउंस की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। 60 के नीचे 58,500 का ही सीधा सपोर्ट देखने मिलता है, जो हमने ऑलरेडी अगस्त मंथ में एक बार ड्रॉप होते हुए देखा था। वहीं क्रूड में भी हमने वायरस के अपडेट, वैक्सीन के अपडेट आने के बाद पॉजिटिवनेस देखा है, बट 3220 का लेवल नहीं तोड़ पाया कल के सेशन में। आज अगर 3220 के ऊपर निकलता है तो 3280 के लिए लिया जा सकता है। नेचुरल गैस में भी काउंटर स्ट्रांग है, 200 के ऊपर क्लोज काफी स्ट्रांग है। 205 का लेवल तोड़ने पर 212 तक का लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल में कल दिन के सेशन में हमने बड़ी गिरावट देखी थी, बट थोड़ा बहुत उबरता हुआ दिखाई दिया वैक्सीन की न्यूज के बाद। डॉलर में जिस ढंग से तेजी आई वो मुख्य कारण था, जिसकी वजह से पूरे ही बेस मेटल में हमने दबाव बनते हुए देखा है। आज के सेशन में बेस मेटल में लोअर लेवल से बाइंग आते हुए फिर से दिखाई दे सकती है। वहीं LME पे आज हमने देखा कि जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। निकल और लेड साइडवे टू नेगेटिव जरूर दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल में $822 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। 820 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये ब्रिज करता है तो 1800 तक का लेवल आ जाएगा। बट बड़ी कोई फॉल ये लेवल से उम्मीद मत कीजिए, 1820 के भाव में प्राइजेस अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी में थोड़ा पेन और बढ़ सकता है, $23 या 2260 तक का लेवल भी हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं WTI और ब्रेंट क्रूड दोनों में ही तेजी है वैक्सीन को लेकर, और ओपेक प्लस ने भी सिग्नल दिए हैं कि 30 तारीख की जो मीट है वहां पे एक्सटेंशन हो सकता है 3 महीने के लिए। ये कहीं ना कहीं क्रूड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली नेचुरल गैस भी $3 तक का लेवल दिखा सकती है, जो करीबन 215-220 तक का लेवल होता है डोमेस्टिक मार्केट में। विक्स इंडेक्स में गिरावट के चलते सोने चांदी के अंदर हमने थोड़ा बहुत पुल बैक देखा है, और इक्विटी मार्केट में जम देखा है। डॉलर इंडेक्स 9250 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज US से काफी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर सेंटिमेंट के डेटा रहने हैं, जो कहीं ना कहीं मोमेंटम अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। वहीं MCX बुलडेक्स में आज गिरावट का रुख रहेगा, 15,000 तक का टारगेट, 15,000 से 14,900 तक का टारगेट देख पाएंगे। क्रूड में अभी भी ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, जो 3280 के लिए लिया जा सकता है। लेड में हेड एंड शोल्डर कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं 158 से 162 तक का भी लेवल आने वाले सेशंस में दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।